नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा और आफताब के केस की। बता दें कि श्रद्धा और आफताब के केस में आए दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज फाइनली वो तारीख आ गई है जिसका इंतजार श्रद्धा को इंसाफ दिलाने वाली जनता बेसब्री से कर रही थी। जी हाँ, आज 1 दिसंबर है और आज ही के दिन आफताब का नार्को टेस्ट होना है। बता दें कि इससे पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है। 3 सेशन के बाद आफताब ने ये कबूल कर लिया कि आफताब ने ही श्रद्धा की जान ली और साथ ही उसके 35 टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देते हुए आफताब पुलिस और डॉक्टर्स को गुमराह कर रहा है, जिसके बाद अब फाइनली मजबूरन आफताब का नार्को टेस्ट करना जरूरी हो गया है। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और जल्द ही उम्मीद लगाई जा रही है कि आफताब कोई चौंकाने वाला खुलासा करेगा। मेरी जानकारी के मुताबिक जब आफताब को नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था उस वक्त वो काफी ज्यादा घबराया हुआ नजर आया। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट के 3 सेशंस में आफताब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, लेकिन शायद अब आफताब को ये डर सता रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में तो वो गुमराह करने में सफल हो गया, लेकिन शायद उसका जो खौफनाक चेहरा है वो नार्को टेस्ट में छिप नहीं पाएगा। हालांकि क्या वाकई में आफताब का घिनौनियत भरा चेहरा नार्को टेस्ट के बाद पर्दाफाश होता है या नहीं, इसे लेकर इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।